सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दर्द उनके कार्यकर्ताओं के आगे झलका। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहलाने वाले गुना में विगत कई वर्षों से कांग्रेस हारती आ रही है। यही कारण है कि अशोकनगर और मुरैना जिले में पूरी सीटें कांग्रेस के खाते में आई। गुना में भी चारों में से तीन कांग्रेस की सीटें मिली, लेकिन गुना की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। इसके मद्देनजर कल देर शाम आयोजित की गई एक कार्यकर्ता संगोष्ठी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी से ये जानने की कोशिश की कि आखिर हार के कारण क्या है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो इस बार लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस हारेगी। साथ में सिंधिया ने यह भी कहा कि यदि उनमें कोई कमी है तो बताएं, क्या सुधार लाया जाए। गुना विधानसभा में जरूर कमी, बहुत बड़ी कमी रहेगी, क्योंकि इसमें से हम लोग 26 सीट जीते हैं। गुना विधानसभा हम लोग हारे, लोकसभा में भी हम हारे हैं, उसके पहले विधानसभा में भी आ रहे हैं और अब भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को मंथन करना होगा। अगर कमी मेरी है तो बताओ मुझे। ये क्या कारण है कि अशोकनगर जिले में अशोकनगर चंदेरी मुंगावली तीन के तीन सीट हम जीत सकते हैं। ये क्या कारण है कि मुरैना जिले में 6 सीटें हैं हमारी, 6 के 6 सीट हम जीत सकते हैं। ये क्या कारण है कि ग्वालियर लोकसभा में 8 सीट हैं, लेकिन मेरे नेतृत्व में 8 में से हम 7 सीट जीत सकते हैं। लेकिन क्या कारण है कि गुना मेरा मुख्यालय है और गुना की सीट हम 20,000 से हारते हैं। गुना से हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाते, विधानसभा 15 सालों से और लोकसभा गुना सीट से मारा। नहीं तो प्रश्न क्या है, चुनाव नहीं जीत पाते आपको? ऊर्जा भरा है कल, मैं चौकीदार हूँ, उससे कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा? ये मैं कह रहा हूँ कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कैंपेन चल रही है, हमारा 25 सिंपल। और सबसे महत्वपूर्ण, गुजरात के सबसे बड़े बीजेपी के नेता कि घर में चोरी हुई है और चोरी का नंबर वन आरोपी है उनका स्वयं का चौकीदार, तो ये स्पष्ट कर देती है स्थिति क्या वास्तविकता है भाजपा की।